हाय गाइस, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। गाइस, आज की वीडियो में हम हमारे पापा के साथ हैं, नमस्कार बोल रहे हैं, जो कि आपको, आप भी नमस्कार बोलिए। आज हम लोग आपको टूर कराने वाले हैं इंदिरा उद्यान, यहाँ, जी हाँ, यहाँ ये है मेरे का, हाँ, वन विभाग का है, ठीक है, इंदिरा उद्यान। तो गाइस, ये मेनली मतलब पापा के चैनल पे आना चाहिए, लेकिन ये पशुपालन वाला वीडियो नहीं होने वाला है, ये व्लॉग होने वाला है, जो कि आपको पूरा सीनरी दिखाएंगे, है ना। तो इस वजह से ये मेरे चैनल पे आ रहा है, होप यू गाइस लाइक इट। हाँ, यहाँ से अच्छा आ रहा है। तो गाइस चलिए चलते हैं, एंटर करते हैं। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पास से आप बोर्ड देख सकते हैं, जूम इन करके मैं दिखा रहा हूँ, और ये रहा इसका कुछ एंट्रेंस गेट। तो हम लोग उस गेट से जाएंगे, तीन गेट है आई थिंक, है ना। तो चलिए चलते हैं, चलिए। सो गाइस, ये आपको थोड़ा सा रोड का सीन दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, रोड है ना, काफ़ी अच्छा आ रहा है, पता है रोड। सो गाइस, थोड़ी मेरी कमेंट्री जो है जारी रहेगी, आई थिंक आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। गाइस, दरअसल बात यह है कि ना, थकान थोड़ी सी हो रखी है, क्यों पता है, क्योंकि हमने सुबह का पशुपालन विद एमएल मनहर, जो कि पापा चैनल, उसके लिए वीडियो शूट करी, टोटल डेढ़ घंटे का वीडियो, जो कि आपको देखने को मिलेगा तीन पार्ट में, आई थिंक, है ना, तीन उसका पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ गाइस, हम लोग सुबह 7:30 बजे का घर से निकल चुके हैं, 8 बजे करीबन, और उसके साथ साथ गाइस मैंने 2 बैंक अकाउंट ओपन कराए हैं, है ना, इस वजह से बहुत थकान हो रही है। पता नहीं अब रियर कैमरा से कितना अच्छा आया होगा, बाकी एंट्रेंस तक आपको रियर कैमरा दिखाना मैं चाह रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर गेट लॉक कर चुके हैं, तो उस गेट चलना है क्या। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस गेट पे जो है ताला लग रखा है, देखिए उस गेट से जाएंगे कि नहीं जाएंगे पूछ लेते हैं, उस गेट से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो गाइस, हम इस गेट से जा रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ होगी कि नहीं होगी। पापा का कहना है शायद वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करेंगे ऐसा करके, चलिए देखते हैं जाके। तो गाइस, अब इस वाले गेट से हम एंट्री करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है, है ना। तो अब इस गेट से हम एंट्री करेंगे, मैं अपर्चर थोड़ा कम कर देता हूँ, आई थिंक इतना, चल चल कर दे गाड़ी, साला है दिन भर भर, अरे यार दिन भर गाड़ी, सही बात है यार, गाड़ी दे, देखो यार दिन भर का जा रही गाड़ियाँ, देखो एक ही साइड से भी आ रही, देखो ये देखो, उधर ऑलमोस्ट ठोकने वाली थी, है ना। तो गाइस चले देखते हैं, ये आप देखिए थोड़ा सा व्यू, आप देखिए, है ना, सामने से भी देख लीजिए आप। गाइस, देख सकते हैं गुलाब गार्डन है, थोड़ा आगे से आगे रुक, चलो गाड़ी में ही सफ़र करते हैं, और क्या, वहाँ पार्क वार्क कर देंगे, है ना। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये इंदिरा उद्यान है, देखो बाबा हाय बोलो, हाय। गाइस ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ दो चार दर्जन झूले वूले हैं, चले घूमते हैं, आपको दिखाते हैं। पापा बोल रहे थे उस गेट में ताला लगा है, तो वापस चलेंगे, उसके लिए मैं बोला यार चलो हम पे आते हैं बोल के, चलिए देखते हैं। ग्लासेस उतारता हूँ, वैसे भी सन ग्लासेस हैं, है ना। तो ये बाइक कहाँ, चलो यहीं रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बोल, क्या परमिशन बोल दो, मैं उतना में 5 मिनट शूट कर लेता हूँ, क्या पता मिले ना मिले। सो गाइस, व्हाट आई थिंक इज कि अरे गले में खराश हो गया यार, पता नहीं क्यों, है ना। सो मैं ये बोल रहा था कि पहले अपर्चर सेट कर लेता हूँ यार, गाइस बड़ी थकान होगी, क्योंकि 2 बैंक अकाउंट ओपन कराना सोचिए एक ही दिन में, है ना, वो होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसे, और एक तो वो ब्लॉग पहले शूट कर चुके हैं ना, प्लस आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखने को मिलेगी, और एक और अपडेट मैं शायद इस वीडियो के अंत तक शायद दे चुका होऊंगा या दूंगा, आई डोंट नो। अपडेट ये कि ना अब से, जैसे कि मंडे फ्राइडे मैं अपने चैनल पर, मनीष मनहर चैनल पर, सब ये वीडियो उसी चैनल में आएगी, वो डालने की मैं ट्राई करूँगा मंडे फ्राइडे, एंड देन उसके अलावा ना मैं सोच रहा हूँ कि ना, सोच क्या, 99% श्योर कि एक वेंसडे को
वेंसडे को, हर वेंसडे को एक फाइनेंशियल एजुकेशन या ऐसी ब्लॉग जिस फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियो आपको मिलेगी। 60-70% पूरा वीडियो जो है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर रहेगी, है ना। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, सब ब्लॉग वगैरह रहेगा कुछ। मैं दो चार जो सारी चीज़ें लेता हूँ वो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दूंगा। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नर्सरी टाइप से, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पौधे हैं छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, मैं करीब से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ना। तो ये बड़े प्यारा लगा, वैसे मैं आपको दिखा मतलब आप ऐसे देख नहीं पा रहे हो बट मैं बताऊँ तो ये जो आप देख सकते हैं वहाँ वो देखें, हाँ इसमें क्लियर दिख रहा है वो ना जड़, मतलब इसको आप घर ले जाकर लगा सकते हैं। ये जो ये अमरूद का है, गुआवा का पेड़ है, ठीक है। क्या हुआ, ग्रांटेड गाइस, अब हम लोग के पास जो है अथोराइज परमिशन हो गया क्योंकि पापा बता रहे कि यहाँ पापा आते रहते हैं, तो पापा के ऑफिस से ये काफ़ी नज़दीक है। कितना कितना किलोमीटर होगा आपके ऑफिस से? हाँ ये अमरूद का पेड़ है। और ये वाला कौन सा पेड़ है, ये वाला, ये छोटा वाला, ये कौन सा पेड़? तो गाइस वो वाला जो दिख रहा है आपको वो बड़ा बड़ा वो है अमरूद का पेड़, ये वाला पेड़ है गाइस, ये वाला है अमरूद का पेड़, ठीक है। और ये वाला पता नहीं कौन सा पेड़ है, ये वाला देख सकते हैं आप, मैं आपको देख लीजिए। प्लस गाइस ये वाला देखिए यार कितना सुंदर लग रहा है गाइस, आप पता नहीं है आप में से, मतलब पता नहीं क्या, आप सभी को नेचर से प्यार होगा। तो गाइस जो नेचुरल प्लेसेस होती हैं जैसे कि ज़्यादातर जैसे कि जो सिक्किम हो गया, क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, वहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ ये सब पेड़ वगैरह, वैसे नारियल का पेड़ आता है उधर, है ना, काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरे को, है ना। और मेरी मम्मी बोलती कि ना यार वहीं कहीं घर वर लेके रहेंगे बोल के, है ना। आपको कैसा लगता है बताओ ये ग्रीनरी वगैरह प्लेसेस? बहुत बढ़िया है। हाँ ना ये वाला अंडा का पेड़ है, अंडा बोलते हैं ना, ये वाला, ये वाला पेड़। सो गाइस ये जो पेड़ है ना, ये वाला ये पौधा है, इससे बायो डीजल बनता है। मतलब ये बायो डीजल क्या होता है, मतलब एक डीजल बनता है आपका फॉसिल फ्यूल से, ये बायो डीजल मतलब पौधा से इसके बीज से बायो डीजल बनता है। गाड़ी में चल पाता है इससे? तो गाइस वो नहीं पता, तो अगर आपको पता कि ये बायो डीजल से गाड़ी में चल पाता है, पता है आप ध्यान से देख लीजिए, आपके कोई जानकार में हो तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। गैस ये देखिए पत्ते हैं, तो गैस और आई थिंक मैं आपको नहीं बताया होगा अभी तक क्योंकि ये वीडियो बात शूट करूँगा वॉल वीडियो चैनल अपडेट के ऊपर। तो गैस मैं बता दूँ कि मेरा 6 मंथ तक ना जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मैं ICU में तक एडमिट था 7 दिनों के लिए, तो इस वजह से 6 महीने से वीडियो नहीं आ पाई। आप पापा से कन्फर्मेशन ले सकते हैं, है ना, सही बोल रहे हैं, इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं आप लोग से कि वीडियो नहीं आ पाया करके, इसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, अभी पूरा ठीक हुआ है, तब फिर आपका वीडियो कंटिन्यू करेंगे। प्लस गाइस मेरा 12th था लास्ट ईयर जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब मैं ह्यूमैनिटीज़ कर रहा हूँ, 12th मैंने करी है नॉन मेडिकल यानी साइंस नॉन मेडिकल यानी कि मैथ्स लेकर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप समझ पा रहे हो कि फिर भी कितना डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन फिर मैंने 11th 12th पूरा 10th 11th 12th पूरा डाला है, करीब 65 वीडियोस हो गए हैं, है ना। और एंड कमेंट कीजिए कि आप में से किनको लगता है कि मेरा 12th में कितना परसेंट आया होगा, PCM स्ट्रीम था मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कमेंट कीजिए कि मेरा कितना परसेंट आया होगा, ठीक है, कमेंट करिए, 10 सेकेंड आपको मैं देता हूँ, तब तक आप थोड़ा देख लीजिए। आपको एक गार्डन है, आप लोग आपको कितना लगता है कि कितना परसेंट लोग सही जवाब दे पाएंगे, कितना परसेंट आया होगा, कितना क्या लगता है आपको कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे बता दो? 70% तो गैस पापा के उम्मीदों पर खड़ा उतरना मतलब ज़्यादा ही उम्मीद रख, ठीक है। तो वेल कमेंट कर लिए अभी तक तो, सो आई गॉट 89.6% इन 12th, ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत काफ़ी है। पापा के लिए बताओ काफ़ी कि नहीं है? काफ़ी है, गिर नस्ल का है। हाँ गैस यहाँ देखिए पशुपालन का भी प्रचार हो रहे हैं यहाँ पर, तो गैस अगर आपको भी मवेशियों से जैसे कि गाय है से प्यार हो, ये गिर नस्ल का है, सॉरी बैल है, गाय है। तो गाइस यहाँ पर पापा का चैनल का थोड़ा प्रमोशन करते हैं, पशुपालन विथ ML मनहर, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, नहीं तो आप सिंपली मनीष मनहर का जो चैनल है वहाँ पर अंदर जाइए और चैनल के सेक्शन पे आपको मिल जाएगा, या आप सिंपली पशुपालन विथ ML मनहर सर्च करिए आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर हम कम से कम 2 दिन में एक बार वीडियो डालती हैं। और अगर आपको ग्रीनरी और पशुओं से मतलब गाय भैंस उनके बछड़े वगैरह से प्यार है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज ये गाइस गला बहुत दर्द रहा है, आवाज़ आपको मेरा अच्छा नहीं आ रहा होगा, घर जाके 4-5 विक्स की गोलियाँ चबाऊँगा।
यहाँ पर झूले वूले हैं, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं झूला, बैठते हैं थोड़ा, नहीं बैठे पहले घूम लेते हैं उसके बाद बैठेंगे। गाइस यहाँ पर झूले देख सकते हैं, काफ़ी हाई मेंटेनेंस, हाई ही बोलेंगे मेंटेनेंस। ये कौन सा पेड़ है ये वाला? वो नारियल जैसा पेड़ है, नारियल का ही पेड़ है? नहीं नहीं, शोपीस वाला है। सो ऐसा आप लोग बताइए इससे ये वाले पेड़ों क्या बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ना, वैसे घर तो अपना इतना बड़ा नहीं है, है ना, कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा जो पेड़ है आप ऊपर से देख लीजिए, ठीक है, तो इधर से भी दिखा देता हूँ ये जो है ना। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि ऐसा पेड़ ना अपन जब घर बनाए ना तो वहाँ हो बोल के। आप बताइए कि ये सब कहाँ अवेलेबल अवेलेबल होता है? ऑनलाइन तो मैं देखा था, अमेजोन वगैरह कई ठो वेबसाइट में मिल जाता है ना। इतना ब्लैक क्यों आ रहा है? अब मैं समझ गया डे ब्लॉगर के लिए कितना समस्या होता है। ओ वहाँ चलते ना, वहाँ वो कुछ अजीब सा दिख रहा है। बस चल के दिखाता हूँ, वहाँ वो कुछ अजीब सा पेड़ है, यानी पौधा है। बैठने का अच्छा व्यवस्था, ये सरकारी है ना, तो यहाँ घूमने के लिए सब का है। अच्छा पूछने, अच्छा एक मिनट इधर आ, रुको साथ में। वो क्या बोले आप पूछने गए थे? तो मैं बोला सर जी फोटो खींचना था, परमिशन है कि नहीं? बोले परमिशन है। हाँ हाँ जाओ 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 बोले। माली वाली यहाँ पर कितने लोग रहे होंगे? माली वाली उधर गए तो उस लास्ट में रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। ठीक है, बेर गए? एक सेकंड मेरा अलार्म बज गया। चलो यहाँ सुबह चलते हैं, इधर देखते हैं। मैं कभी है ना आपको कानन भंडारी लेके जाऊँगा, जो कि बिलासपुर पड़ता है, छत्तीसगढ़ का काफ़ी फेमस जगह है ना, काफ़ी फेमस जगह है। इसको बोल रहा था अपने से, यार सब चीज़ आपको पता रहता है तो बताइए क्या चीज़ है, पास से दिखाया था। ये देखिए, ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर लगा है। मैं गाइस मैं फ्रंट कैमरा से ले रहा हूँ, इसलिए मैं पता नहीं क्या हूँ कैसे। एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए, बस काफ़ी मेरे ख्याल से 10 मिनट का वीडियो बन गया होगा। हाँ 9 मिनट का वीडियो बन गया, तो इतना आराम से एक व्लॉग आप, आई थिंक आप बोर नहीं होंगे। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन टाइप से हो गया, और प्लस थोड़ा ग्रीनरी वगैरह देखना पसंद रहता है मेरे जैसे, तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। और रही बात गाइस पशुपालन विद एमएल मन्नर, सॉरी, इसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, आपको वहाँ पर बेहद ही अच्छे कॉन्टेंट मिलेंगे। प्लस मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर आपको ढेर सारा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि पापा एनिमल डॉक्टर हैं, तो आपको थोड़ा मेडिकल नॉलेज मिल जाएगा। प्लस वहाँ पर मैं कुछ अपना जो साइंस वाला तिकड़म है वो भी वहाँ पर आपको टेस्ट कराते रहता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस जब आप मैं यहाँ पर, जैसे कि मैं वेंसडे को जो भी वीडियो डालूंगा है ना, वेंसडे को, वो 70% फाइनेंशियल एजुकेशन पर रहेगा है ना, 20% आपका कम्युनिकेशन स्किल ये सब वगैरह पर रहेगा है ना, और 10% आपका रहेगा अनबॉक्सिंग या ब्लॉग है ना, वेंसडे को आएगा। तो गाइस तो आप पशुपालन में तेमेल मनहर देखेंगे तो आपको ना वहाँ पर कैसे कम्युनिकेशन स्किल, जब आप पहले पर्सन से कई जगह पर, तो मैं तो हर जगह पर पहली बार ही जा रहा हूँ समझिए है ना, तो कैसे कैसे बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल आपको काफ़ी अच्छा से सीखने मिलेगा। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ माई पापा, जो कि है पशुपालन विद एमएल मनहर। खैर बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गया, तो आप ये वाला देख सकते हैं है ना, तो ठीक है ना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आइए सब्सक्राइब करके लिखिएगा कॉमेंट में, मैं आप बहुत काम देने लग गया हूँ उसे है ना, ठीक है गाइस। और ये यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए आप सुनिए करके, चलते हैं उसे, काफ़ी थकान हो गई है, चलते हैं। ब्लॉग की एक खासियत कि इसको ज़्यादा एडिट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो चलिए लाइक से सब्सक्राइब के लिए बोला जाए। सो गाइस चलिए प्रणाम, थोड़ा नमस्कार। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और नॉलेज से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस, बस ये तो उतना नॉलेजबल नहीं रहा, लेकिन आपको वेंसडे को हम पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए गाइस, अब मैं बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया हूँ, मेरे को अब 18+ हो गया है, तो पूरा आपको लिटरली पूरा अवेयर कर देंगे। प्लस मैंने हज़ारों वीडियो देखे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो आपको मैं पूरा देने का प्रयास करूँगा। तो गाइस चलते हैं घर अब अपने, ठीक है। तो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो, और गला जो है दर्द देने लग गया है, तो चलते हैं। आपको थोड़ा रोड फुटेज फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ, क्या दिखाई देते हैं आपको है ना, थोड़ा आपको थोड़ा दूरी तक आपको दिखा देंगे है ना। हाँ गुलाब पौधा नहीं दिखा, नहीं दिखा,
दिखा दे क्या? तो गाइस आप ये वाला वीडियो देखिए, ये गुलाब के एक गुलाब गार्डन है, वो देखिए वहाँ पर लिखा है प्रवेश मंडी। आप तो गाइस यहाँ पर हम हाँ निकल चुके हैं यहाँ से, तो अब जो है अब चलते हैं हम लोग, जो अब हम लोग चलते हैं अपने घर है ना। तो इस महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई है और वीडियो पर अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे दिसंबर से, आई थिंक दिसंबर 2021 से और जनवरी 2022 से, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। दिसंबर में तो स्टार्ट कर ही देंगे और रही बात 2022 के जनवरी में स्टार्ट कर ही देंगे, ठीक है। तो चलिए लोग मेरे को वैसे पूरा ताकत है थोड़ा सा कर रहे हैं ना, तो चलिए ठीक है। बाकी अब आदत सी पड़ गई है, उसने कोई इशू नहीं है, तो वही बोल रहे हैं कि अपनी हैबिट्स बिल्ड करिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें साइड बाई साइड, और आपका जो पैशन है उसको फॉलो करते रहिए।